पुतिन और बाइडेन की स्पीच पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। कल कुछ ही समय के अंतराल पर दोनों की स्पीच होनी है। बाइडेन वॉर्सो में तो पुतिन क्रेमलिन से स्पीच देंगे। वॉर के एक साल पूरे होने पर दोनों की स्पीच होनी है। दोनों ओर से कई बड़े और निर्णायक ऐलान के भी आसार जताए जा रहे हैं। कल दुनिया को दो ताकतवर मुल्क लीडर्स के भाषण का इंतजार है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन पोलैंड में क्या बोलेंगे और रूसी राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को में जिस रणनीति का ऐलान करेंगे, इससे यूक्रेन में चल रही भीषण जंग की दिशा तय होगी। दोनों की स्पीच इसलिए भी अहम है क्योंकि जंग को शुरू हुए एक साल पूरा होने वाला है। ऐसे में दोनों ओर से कई बड़े और निर्णायक ऐलान के आसार है। बाइडेन रूस पर जंग थोपने की आलोचना कर सकते हैं, यूक्रेन को बड़ी मदद का ऐलान कर सकते हैं और यूक्रेन में पश्चिमी प्लान की घोषणा कर सकते हैं। पुतिन मॉस्को में दोपहर 2:30 बजे स्पीच देंगे। पुतिन वॉर के एक साल का लेखा जोखा दे सकते हैं। बैटलफील्ड में नई रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। पुतिन पहले ही इस बात से खफा हैं कि यूक्रेन की जंग में उनके खिलाफ नेटो और अमेरिका भी लड़ रहा है। रूस इस बात पर कई बार एतराज जता चुका है। यूक्रेन की संप्रभुता बचाने के नाम पर पश्चिम लगातार हथियार भेज रहा है। ऐसे में इन दोनों नेताओं से अमन का पैगाम देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।